Welcome, my friend. Big Bash League 2023, match number 12, T20. Melbourne Star vs Sydney Thunder. ये किस तरह मैच होगा और ये जो भाव हैं किस तरह चलेंगे और ये जो मैच ये एक बोर्ड बना तो किस सूरत में बनेगा उसके बारे में बात करेंगे. इस चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट में, वहां से आप इस चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो. ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट और चैनल आगे बढ़े और आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे. और जो हमारी कंफर्म टीम होती है वो भी नहीं करती है और अगर कभी कभार हारती है तो फिर 30-35 का भाव 80 पैसे तक लेके देती है या 80 पैसा फेवरेट आती है, ऐसे नहीं आती है वरना भी नहीं करती है. ये बात अच्छी तरह नोट कर लेना. और आज जो मैंने आपको मैच दिया था सिडनी सिक्सर, वो सिडनी सिक्सर ने मैच विन किया, वो भी एडिलेड 30-35 के भाव में फेवरेट थी, उससे कम बैक किया और फिर सिडनी सिक्सर ने ये मैच विन किया. ऐसे मैंने बहुत से मैच दिए हुए हैं, वो वीडियोस पढ़िए, आप जाके देख सकते हो कितने मैंने पास मैच दिए हुए हैं. इस वीडियो को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कि आपको पता चले कि किस तरह ये भाव चलेंगे और कौन सी टीम किस तरह विन करेगी और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. अब बात करते हैं ये जो कल मैच खेला जाएगा मेलबर्न स्टार वीएस सिडनी थंडर में, इनमें से कौन सी टीम ये मैच विन करेगी. इस मैच की जो मैच विनर टीम हमारे पास निकली है वो है सिडनी थंडर. ये मैच सिडनी थंडर विन करेगी, ये बात नोट कर लेना. और फिर अगर हारती है तो फिर 30-35 का भाव 80 पैसे तक लेके देगी या 80 पैसा फेवरेट आएगी, ऐसे नहीं हारेगी. अगली टीम को टफ टाइम दे के हारेगी वरना हमारी टीमें विन नहीं करती हैं. वो वीडियो पढ़िए, आप जाके देख सकते हो कितने मैच पास हुए हैं. अब बात करते हैं ये जो भाव हैं किस तरह चलेंगे उसके बारे में. पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास कन्फर्म टीम निकली है सिडनी थंडर उसके बारे में. अगर सिडनी थंडर टॉस विन करती है, टॉस विन करके फर्स्ट बैट पे खुद आती है तो फिर ये बात नोट कर लेना, ये इतना ज़्यादा भाव नहीं चलेंगे, 90 के चलेंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिडनी थंडर फेवरेट होती चली जाएगी और ये मैच विन कर जाएगी. और अगर सिडनी थंडर टॉस विन करती है, टॉस विन करके फर्स्ट बैट मेलबर्न स्टार को देती है तो फिर ये बात नोट कर लेना, दोनों टीमें फेवरेट आएंगी, कांटे का मुकाबला होगा इस मैच में. उस दौरान आप चाहे दोनों तरफ विन करो चाहे एक ही टीम पे रहो, वो आपकी मर्जी है. हमारी टीम सिडनी थंडर ही होगी, ये बात नोट कर लेना. बाकी इस सूरत में ये कांटे का मुकाबला होगा इस मैच में. इस वीडियो को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें, ये जो टॉस वाली पॉइंट है इसको भी गौर से सुने ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. अब बात करते हैं ये जो मेलबर्न स्टार है वो टॉस विन करती है तो क्या सूरत हाल होगी. मेलबर्न स्टार टॉस विन करती है, टॉस विन करके अगर खुद फर्स्ट बैट पर आती है तो फिर ये बात नोट कर लेना, इस सूरत में भी ये भाव ज़्यादा नहीं चलेंगे, 80-90 के चलेंगे. अगर मेलबर्न स्टार फेवरेट आई तो 80 में आएगी, 90 में आएगी फेवरेट और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिडनी थंडर फेवरेट होती चली जाएगी और ये मैच विन कर जाएगी, ये बात नोट कर लेना. और अगर मेलबर्न स्टार टॉस विन करती है, टॉस विन करके फर्स्ट बैट सिडनी थंडर को देती है तो फिर ये बात नोट कर लेना, आज जो हमारे पास मैच जिस तरह निकला है तो अगर ये सूरतहाल होती है तो फिर ये मैच जेकोर्ट में जाएगा और फिर ये मेलबर्न स्टार 10-15 पैसे में फेवरेट आ जाएगी और उसके बाद ये हमारी टीम कम बैक करेगी और ये मैच विन करेगी. लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप फकत 30-35 के भाव का वेट करना, बाकी आगे आपकी मर्जी है, 10 पैसे का वेट करो या 5 पैसे का. मैंने जो बताया है वो 30-35 का भाव बताया है, उस तक वेट करना, बाकी आगे आपकी मर्जी है. और
फिर उस 30-35 के भाव को से हमारी टीम कम बैक करेगी और ये मैच विन करेगी। अगर मेलबोर्न स्टार टॉस विन करती है, टॉस विन करके फर्स्ट बैट सिटी थंडर को देती है तो फिर ये सूरत तैयार होगी। ये सारी बात मैंने आपको समझाई है। इस वीडियो को आप गौर से सुने और समझने की कोशिश करें ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए कि कौन सी टीम किस तरह विन करेगी और ये जो भाव है किस तरह चलेंगे। अगर ये मैच जैकपॉट बना तो किस सूरत में बनेगा, वो सारी बात मैंने आपको समझाई है। बाकी आप इस वीडियो को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कोई नुकसान ना हो। इस चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट में, वहां से आप इस चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट हो और आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बाकी दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ।